प्रतीक, इसको रैपर बनना है और वो लगा हुआ है अपनी टीम के साथ बेहतर म्यूजिक और बेहतर लिरिक्स के साथ। बट पार्ट टू में उससे एक लड़की टकराती है जो कि एक रिपोर्टर है। वो चाहती है उसका इंटरव्यू लेना और उसकी कहानी सबको बताना ताकि उसे और पब्लिसिटी मिले, पर प्रतीक अपने सिद्धांतों की वजह से उसे मना कर देता है। बट लड़की कुछ ऐसा कह देती है जिससे प्रतीक इंटरव्यू देने के लिए राजी हो जाता है, जो कि वो अभी दे भी रहा है। इंटरव्यू देने के बाद दोनों एक दूसरे को जाने लगते हैं। दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। अब उन दोनों का मिलना जुलना है, पर जब दो सिद्धांतों वाले लोग टकराते हैं ना, तो क्या हो रहा है मिस्टर कलाकार? कुछ नहीं, बस नए सॉन्ग्स की लिरिक्स लिख रहा हूँ। रोज रोज ये सब लाने की क्या जरूरत है? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? अरे यार, ये सब फालतू में खर्चा क्यों? अरे ये सब छोड़ दो, ये बताओ नया ट्रैक किस टॉपिक पर है? बहुत सारे टॉपिक्स तो वैसे मेरे दिमाग में थे, पर इस बार जो लिखा है वो है मनी वर्सेस ड्रीम्स। प्रतीक, कुछ पूछूं तुम्हें? बुरा तो नहीं मानोगे? बोलो ना। नहीं यार, जाने दो, बुरा मान जाओगे। अरे बोलो भी। अरे रहने दो। अरे यार, ये क्या बात हुई? एक कलम मेरे हाथ में जो मुझे महीने का 40,000 रुपये कमा के देती है, एक कलम तुम्हारे हाथ में जो तुम्हें सिर्फ बर्बाद कर रही है। कलम की ताकत सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है, कलम की ताकत अपनी बात कहने के लिए होती है। बातों में तो तुमसे कोई जीत नहीं सकता, बट असल जिंदगी में तुम हार रहे हो। ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है। तुम ना, एक मिनट, आखिर तुम खुल के बताओ, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तुम ये सब छोड़ क्यों नहीं देते? मैं तुमसे, रुको, ये सब छोड़ दूँ? मतलब क्या छोड़ दूँ मैं? सांस लेना छोड़ू, खुल के जीना छोड़ू, या फिर वो जिसे दिल को सुकून मिलता है, क्या छोड़ू मैं? अरे मैंने ये सब नहीं कहा था। तुम रैप करना छोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हें बर्बाद कर रहा है। ये जो तुम कह रही हो ना कि रैपिंग छोड़ दो, मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही है। ये सब तुम्हारे दिमाग की उपज है, बाकी ये मेरे दिमाग की उपज नहीं, ये मेरी जिंदगी की सच्चाई है। तुम एक कलाकार को उसकी कला छोड़ने के लिए बोल रही हो, क्या तुम छोड़ सकती हो? इससे मेरा फ्यूचर बन रहा है, मेरा घर भी चल रहा है, पर तुम्हारा? सुनो ना प्रतीक, ये मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ, इसमें हम दोनों का फ्यूचर है। म्यूजिक से अलग होकर मेरा भला, ऐसी जिंदगी भला मेरे किस काम की? प्रतीक, तुम जा सकती हो। क्या? तुम जा सकती हो। सोच लो एक बार प्रतीक। अरे मैंने कहा ना तुम जा सकती हो। आपको लड़का चाहिए होता है, पर सक्सेसफुल, स्ट्रगल वाला नहीं।